हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी स्टाइल लता ऑल इन वन। मैं आज आप लोगों के साथ रिव्यू करूंगी ये वेगा हेयर कलर। ये मैंने अमेजोन से बाय किया है और इसका रियल प्राइस है 1650 और मुझे डिस्काउंट पे मिला है 1050। तो इसका नॉर्मल जो प्राइस अमेजोन में ऑलवेज रहता है 1175 या 1199, उससे भी डिस्काउंट हुआ और मैंने लिया है 1050। तो आप चेक करते रहना और जब आपको लगे कि आपके रेंज में है तो आप बाय कर लेना। तो इसके बारे में मैं रिव्यू दूंगी और कैसा हेयर कर्ल होता है और मैं आज हेयर कर्ल करके बताऊंगी और मैंने ये हेयर कर्ल किया है और मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे हेयर कर्ल करते और कितना टाइम वगैरह लगता है। तो अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ। ये है इसका हेयर कर्लर, ये और इसके साथ ये आ रहा है, ये है वेगा वारंटी कार्ड जो आपको संभाल के रखना है और ये है इसका मैनुअल जो आपको बता देगा, इसमें इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कैसे क्या आपको यूज करना है, तो आप इसको भी पढ़ के यूज कर सकते हैं और वैसे मैं वीडियो में बता ही रही हूँ। तो ये जो इसका बैरल है, ये बैरल 25 mm है और ये सिरामिक कोटिंग का है और इसके साथ ये क्लैप दे रहा है जो आपके बालों को होल्ड करेगा अच्छे से। अब जब बालों को रोटेट करोगे तो बालों को होल्ड करने के लिए ये क्लैप आप देख सकते हो, ये क्लैप है और इसका जो ये हैंडल है आप देख सकते हो, ये आप टेबल पे जब आप रखेंगे तो ऐसे अच्छे से होल्ड हो जाता है कि आप रख सकते हो कि इसका जो गरम वो टेबल पे नहीं लगेगा, तो अच्छे से ये स्टैंड हो गया आपका। ये जो कॉर्ड है ये 360 डिग्री रोटेट है, ये आप देख सकते हो 360 डिग्री रोटेट है और इसका वायर बहुत लंबा है। ये वायर आपको दिखा रहा हूं, देख सकते हो बहुत 2 मीटर वायर है इसका, इसका अप्रोक्स 2 मीटर वायर है। ये ऑन है और ये ऑफ है और यहाँ पर जो आपका होल्ड है ये भी आप पकड़ सकते हो। अभी ये गर्म हो गया है, मैंने ऑन किया है तो, और ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, 60 सेकेंड में आपका ये हीट हो जाता है अच्छे से और कल आपका हो जाता है जैसे 10-15 सेकेंड। अगर ज्यादा थिक वाला लॉन्ग हेयर है तो आपको 15 सेकेंड में आपका हेयर हो जाएगा। जैसे मेरे हेयर लॉन्ग है, मैंने हल्का कर्ल किया है तो ये 15 सेकेंड एक एक सेक्शन लगा मुझे। इसकी 2 साल की वारंटी है तो आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम है कुछ तो ये 2 साल में आप वेगा हेयर कलर के जो यहाँ पर है, यहाँ पर कस्टमर केयर नंबर है, आपको बॉक्स के पास सीट मिल जाएगा, आपको यहाँ पर नंबर है तो कस्टमर केयर नंबर में आप फोन करके बता सकते हैं। और 10 डेज रिप्लेसमेंट है इसका, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप 10 दिन के ये अमेजोन आपको रिप्लेसमेंट करके देगा। तो 10 दिन के अंदर अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो अमेजोन को फोन कीजिए और अगर 2 साल के अंदर कुछ भी होता है प्रॉब्लम तो वेगा को फोन कीजिए, वेगा हेयर कलर को फोन कीजिए। और जैसे मैंने ये मेरा सेकेंड है, मैंने जब ऑर्डर किया था मेरे पास आया था तो उसमें कर्ल हो रहा था। ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रू है, दिख रहा है ये स्क्रू है, तो यहाँ से स्टीम आ रहा था। तो ये स्टीम अगर आप लोगों को भी आता है तो स्टार्टिंग में आप लोग चेक कर लेना कि वो डिफेक्टेड है। तो मैंने फिर फोन लगाया अमेजोन पे और मुझे 2 दिन के अंदर रिप्लेस मिल गया है। तो आप लोगों को अगर ऐसा कुछ लगे और आप लोग डाउट में हो कि ये सही है कि गलत है, प्रॉब्लम है इसमें, तो आप प्लीज
कस्टमर केयर में फोन कर लेना, क्योंकि यहाँ से कभी स्टीम वगैरह नहीं आता है, जो भी गर्म होना यहाँ पर ही होगा। देखिए मैंने अभी ये किया, गर्म यहाँ पर ही गर्म होगा, यहाँ से बाकी कुछ नहीं, ये सिर्फ हैंडल होल्ड करने के लिए है। तो मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बता दिया है, तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी कैसे कर्ल करते हैं। तो चलिए कर्ल करते हैं। टोनियन गाय के हीट प्रोटेक्शन में यूज कर रही हूँ मैं बालों में। पहले मैं स्प्रे कर लूंगी, अब मैं बालों को ऐसे मसाज कर लूंगी, अब मैं कॉम कर लूंगी, अब मैं सेक्शन बना लूंगी। ये क्लैंप, ये रॉड गरम हो गया है, अब मैं हेयर कर्ल करूंगी। ये मैं एक सेक्शन ले लूंगी, देख सकते हो बाल कितनी अच्छी तरह से कर्ल हो गया है, ज्यादा टाइम नहीं लगा, ओनली 10-12 सेकंड। अब मैं इसी तरीके से सब बालों को कर्ल कर लूंगी। अब मैं फ्रंट बालों में भी कर्ल कर लूंगी, कॉम कर लूंगी बालों को। अब मैं बालों में हेयर स्प्रे करूंगी, ये स्प्रिंग हेयर का हेयर स्प्रे है, ये मेरे कर्ल को सेट रखेगा। अब मैं फ्रंट के बालों को ऐसे रोल रोल करके कर लूंगी कर्ल। अब मैं हेयर स्प्रे कर लूंगी। पूरे बालों में कर्ल हो गया है। अब मैं स्प्रे कर लूंगी हेयर स्प्रे और बालों को सेट कर लूंगी। तो आप लोगों को अगर ये वेगा हेयर कलर की रिव्यू अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाद जो बेल आइकन उसको क्लिक कीजिए। थैंक यू।